शाहजहाँपुर के बड़ा ब्लॉक में भाजपाइयों ने अपना दाखिला कर दिया। जब सपा के कार्यकर्ताओं ने पर्चा दाखिला करने आए तो आनाकानी करने लगे और पुलिस अभद्रता करने लगा। सत्ता में चूर भाजपाइयों ने कोविड-19 के जमकर धज्जियां उड़ाई। सपा के सारे कार्यकर्ताओं ब्लॉक के बाहर ही रोक दिए गए, जबकि सत्ता के लोगों का ब्लॉक के अंदर जमघट लगा रहा। शाहजहाँपुर जनपद के विकास खंड बांडा में ब्लॉक प्रमुख पद के लिए गुरुवार को भाजपा प्रत्याशी ओम प्रकाश का नामांकन करने के लिए पुआया विधायक चेतराम, जिला मीडिया प्रभारी अनिल कटियार, अनिल जायसवाल समेत कई भाजपा कार्यकर्ताओं ने ब्लॉक परिसर में अंदर जमकर नामांकन पत्र दाखिल किया। भाजपा प्रत्याशी ओम प्रकाश ने दो पर्चे दाखिल किए, एक अपने नाम और पुत्र कृष्णा कुमार के नाम पर्चा दाखिल किया। नामांकन करने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं काफी दूर तक ब्लॉक परिसर के अंदर मौजूद थे, जबकि विधायक नामांकन होने के बाद चले गए। सपा प्रत्याशी सुबोध कुमार कनौजिया का नामांकन कराने के लिए सपा के उपेंद्र पाल, गोपाल अग्नेत्री, गौरव शुक्ला, सुधांशु शुक्ला समेत कई कार्यकर्ता जब ब्लॉक गेट पर पहुंचे तो ब्लॉक गेट पर मौजूद पुलिस ने उन्हें रोक लिया और प्रस्तावक व अनुमोदक के साथ ही नामांकन कराने के लिए अंदर जाने दिया। जहां पहले से मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं ने सुबोध कुमार का नामांकन रोकने के लिए खिड़की घेर रखी थी, पुलिस ने जब उनसे खिड़की से हटने को कहा तो भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस की नोकझोंक करने लगी। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं व पुलिस में काफ़ी देर तक नोकझोंक होती रही। खबर लिखे जाने तक कोई भी पर्चा तो ना तो निरस्त हुआ और ना ही वापस लिया गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर मुझे जिला नेतृत्व के सहमति पर मुझे समाजवादी पार्टी का ब्लॉक प्रमुख बंडा जनपद शाहजहाँपुर का प्रत्याशी घोषित किया। जब मैं अपने अनुमोदक व प्रस्तावक के साथ समाजवादी पार्टी के नेता व कार्यकर्ताओं के साथ ब्लॉक प्रांगण बंडा पहुंचा तो भारतीय जनता पार्टी की पुलिस ने हमसे अभद्रता की, यह अभद्रता लोकतंत्र की हत्या की ओर इशारा कर रही थी, जबकि हम लोगों को सिर्फ 3 लोगों को अंदर जाने दिया, मैं प्रत्याशी, दूसरा हमारा प्रस्तावक और अनुमोदक, जबकि भारतीय जनता पार्टी के कम से कम 200 लोग ब्लॉक प्रांगण में मौजूद थे, जो पुलिस से भी अभद्रता कर रहे थे और हमारी फाइल, हमारा नामांकन पत्र छीनने की कोशिश की। बामुश्किल हमने जैसे तैसे अपनी फाइल नामांकन कराया। मुझे यह भी डर है कि ये लोग हमारा नामांकन रद्द करा सकते हैं।